हमने पैलोग्राम और ट्राइंगल लॉ किया। पैलोग्राम एंड ट्राइंगल लॉ करने के बाद जैसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ट्राइंगल और पैलोग्राम लॉ के। ट्राइंगल और पैलोग्राम क्या करता है, हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट देता है। क्या रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट किसे बोलते हैं? जैसे किसी बॉडी पे किसी ने दो फोर्सेस लगाई, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो मैंने पूछ लिया नेट फोर्स कितनी लगाई, वो उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। राइट, तो रिजल्टेंट क्या है? नेट फोर्स रिजल्टेंट कहलाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैसे अप्लाई करना है पैलोग्राम एंड ट्राइंगल लॉ। एग्जाम्पल है, अ बॉडी साइमल्टेनियसली हैज टू वेलोसिटीज, एक 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड एक 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है किसी टाइम पे बॉडी की दो वेलोसिटीज पॉसिबल हो सकती हैं? नहीं हो सकती। हो सकती है, कैसे हो सकती है, मैं एग्जाम्पल देता हूं। ठीक, देखो अब जो मैं करवाने जा रहा हूं ना, हालांकि ये क्वेश्चन अगर करना चाहूं तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट मैं आपको कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो मेरे अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर ये यूज होना है। मुझे अगले चैप्टर में भी करवाना है, मुझे अब भी करवाना है, तो मैं अभी करवाऊंगा ताकि आपके ये दो वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से, बिल्कुल टॉप से आपने एक पत्थर को फेंका, किसी स्टोन को फेंका या किसी बॉडी को फेंका हॉरिजॉन्टली, मतलब आप खड़े हो गए, कई बार आप करते हैं पत्थर को सीधा हॉरिजॉन्टली फेंकते हो। अब जब आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हो तो एकदम तो पत्थर ग्राउंड पर नीचे गिरता नहीं है, गिरा तो आपने ऐसा था तो जमीन पर थोड़ा मिलेगा आपको, तो क्या करेगा, कुछ देर तो सीधा जाएगा पर वो बहुत देर सीधा नहीं जा पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ग्राउंड है, अर्थ है, अर्थ उसे अल्टीमेटली नीचे खींच ही लेगी। तो फिर वो ऐसा भी नहीं करेगा कि पहले सीधा गया फिर जैसे कार्टून में होता है सीधा गया, ओ ये क्या अर्थ ही, फिर नीचे गिर गया। 90 डिग्री नीचे कैसे गिरेगा? कैसे गिरेगा? सीधा जाएगा लेकिन अर्थ धीरे 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 नीचे खींचे, ऐसे लैंड करेगा। राइट, आप पत्थर फेंक के देख लेना अपने टॉप ऑफ बिल्डिंग से, तो आप बिल्कुल ऐसे फेंकेंगे तो आपका पत्थर सीधा ऐसे ही कहीं लैंड करेगा, ऐसा ही होता है। ठीक, तो इमेजिन करो आपने 100 मीटर पर सेकेंड पे किसी भी एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, ठीक है, आपके हाथ से तो ये छूट गया। अब होगा क्या, इन्हीं देखो आपके पास दो एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस। हमने अभी तक काम सिर्फ एक ही एक्सेस में किया है। आप अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें, मोशन इन 1D की बात करें, तो जितने न्यूमेरिकल आपने किए, या तो गाड़ी चलती है एक्स एक्सिस पे, या पत्थर चलता है, या बॉडी चलती है वाई एक्सिस पे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक्स वाई प्लेन में बॉडी चलती हो, तभी तो उसका नाम क्या था, मोशन इन 1D। लेकिन जब ये स्टोन नीचे गिरेगा उसके कितने कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज होंगे, दो, एक्स एंड वाई। तो जब ये बॉडी नीचे लैंड करेगी कहीं ग्राउंड पे, नीचे लैंड करेगी, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स साइमल्टेनियसली अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज। तो यानी कि मैं किस मोशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर क्या है, मोशन इन 2D। तो मैं बेस बना रहा हूँ मोशन इन 2D का, मोशन इन 2D का एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ और कैसे वेक्टर्स बीच में फिट करूंगा वो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब मोशन इन 2D आएगा अगले हफ्ते, आपको सारा बेस क्लियर होगा, आप जल्दी पिक करेंगे। राइट, तो इसमें 100 मीटर पर सेकेंड से आपने पत्थर को घेर दिया। राइट, आप पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज करो, एक मिनट के लिए, ये आपके पास एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, हम अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल में एयर की रेजिस्टेंस को नहीं लेते, तो आपके प्रैक्टिकल तो होती है, प्रैक्टिकल तो बहुत कुछ होता है, पर हम जब पत्थर को फेंकते हैं या बॉडी को कहीं भी फेंकते हैं, एयर को मानते हैं, एयर नहीं है, एयर को रिजिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? क्योंकि जब एयर रिजिस्ट करेगी तो एयर ना स्पीड को स्लो कर देती है, तो हमारी काइनेमेटिक्स में फिर हमें फोर्सेस को भी लेके आना पड़ता है, फिर दिक्कत होती है, तो हम एयर की रिजिस्टेंस लेते नहीं है। आप मुझे एक एग्जाम्पल से, आप एग्जाम्पल का आंसर दो, मैंने एक स्टोन को 100 मीटर पर सेकेंड से सीधा फेंका, सीधा फेंका, मेरे हाथ से छूट गया, अब फॉर एन इंस्टेंट मेरे हाथ से 100 मीटर पर सेकेंड से बाहर निकला है। मान लो एक मिनट के लिए मैंने अर्थ को यहां से पकड़ा और कहीं बाहर फेंक दिया, अर्थ नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो पक्की बात है ये स्टोन नीचे गिरेगा नहीं, स्टोन नीचे गिरेगा, स्टोन कहां जाएगा,
सीधा जाएगा। नीचे कैसे गिरेगा? नीचे गिरने के लिए क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए, ग्रेविटी चाहिए। ग्रेविटी तो हटा दी मैंने, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है मान लो। अब क्या होगा, ये स्टोन हमेशा के लिए किसकी स्पीड से मूव करता जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड से मूव करता जाएगा। आपको कहोगे रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि रोकने के लिए क्या चाहिए होती है? अपोजिंग फोर्स। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी तो होती नहीं, ग्रेविटी हमेशा कहां होती है? नीचे एक्ट करती है। हॉरिजॉन्टल में तो कुछ नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल में कोई ग्रेविटी नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई एयर की रेजिस्टेंस नहीं, रोकने वाली कोई फोर्स नहीं। और इस दुनिया में अगर रोकने वाली कोई फोर्स नहीं ना, तो बॉडी रुक ही नहीं सकती। अगर मैंने ग्राउंड पे भी एक बॉल को फेंक दिया ना, तो उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड क्या लगाती है इसके ऊपर? फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन दुनिया से खत्म हो जाए, आपने एक बॉल को अगर फेंक दिया ना विद अ वेलोसिटी ऑफ 100, तो वो सदा ही 100 की वेलोसिटी चलती जाएगी ग्राउंड पे, वो रुकेगी नहीं कभी भी। ऐसे ही करते आए न्यूटन के लॉज में, यही बताया था हमें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ के आए हैं, ऐसे ही होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब जब ये स्टोन को हमने ऐसा फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस की बात करनी है, अभी वाई की बात नहीं करनी, तो एक्स एक्सिस में रोकने वाला कोई नहीं है, तो जब ये सीधा जारी होगी तो साथ साथ नीचे भी इसको गिरना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। तो यानी कि अब इसकी दो मोशंस हैं। कौन सी मोशंस हैं? ये आगे भी जा रही है और साथ साथ ये नीचे भी आ रही है। आगे जाना और नीचे आना, दोनों की कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें तो बॉडी ऐसे जाएगी। इसमें बॉडी आगे भी जा रही है, इसमें बॉडी नीचे भी आ रही है। तो यानी कि इस केस में बॉडी ने एक्स भी कवर किया और साइमल्टेनियसली उसने हाइट वाई भी कवर की। इसी को तो बोलते हैं मोशन इन 2D। तो इसमें दो दो डिस्प्लेसमेंट इकट्ठी कवर होती हैं, एक्स भी कवर होता है और वाई भी कवर होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। अब इमेजिन करो, आपने इसको 100 से फेंका, ये बॉडी आगे जा रही है, आगे जा रही की कोई तो वेलोसिटी होती होगी जिसको एक्स एक्सिस की तरफ लेके जा रही है, और वो वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? 100 है। तो ये बॉडी की वेलोसिटी अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे चेक करें कि कौन सी वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है, तो वो वैल्यू हमेशा हमेशा ही क्या रहेगी? 100 ही रहेगी। इसमें कोई स्पीड में चेंज ही नहीं आ सकता, क्योंकि स्पीड चेंज करने के लिए क्या चाहिए होती है? फोर्स। और एक्स एक्सिस में रोकने वाली कोई फोर्स है ही नहीं, तो आगे जाने की वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस की बात करें, हमने अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पढ़ना है, एक्स में अलग पढ़ना है और वाई में अलग पढ़ना है। तो अगर आप वाई एक्सिस की बात करें, तो वाई एक्सिस के अंदर इनिशियली जब चली थी, मैंने इसको वाई में फेंका ही नहीं था, मैंने तो इसको एक्स में फेंका था। तो इनिशियली चलते ही इसकी वाई की वेलोसिटी क्या थी? 0, क्योंकि कुछ देर फॉर एन इंस्टेंट ये किस में रहेगी? एक्स में रहेगी, वाई में गिरेगी नहीं। लेकिन ग्रेविटी इमीडिएटली बाहर निकलती अपना काम करेगी, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। तो अब ये बॉडी नीचे भी आएगी विद सम वेलोसिटी, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, लेट अस सपोज 12 मीटर पर सेकेंड, लेट अस सपोज कुछ भी, इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। तो यहां पर दो वेलोसिटीज हैं एट अ टाइम एक बॉडी के पास। एक वेलोसिटी उसको कहां लेके जा रही है? आगे। और दूसरी वेलोसिटी को कहां लेके जा रही है? नीचे। आगे और नीचे का कॉम्बिनेशन ये बना के देगा उसको पाथ। तो इसको बोलते हैं मोशन इन 2D। ये अगला चैप्टर है, यहां से वो स्टार्ट होगा। डिटेल तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एक बॉडी के पास दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती हैं। तो जब वो 2D में मूव करती है, तो उसकी दो दो डिस्प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। जब वो 2D में मूव करती है, उसकी दो दो वेलोसिटीज भी हो सकती हैं। एक वेलोसिटी उसको आगे लेके जाएगी, एक वेलोसिटी उसको नीचे लेके आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और ये भी याद रखना, एक्स की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि एक्स एक्सिस में ना ग्रेविटी होती है, ना रोकने वाली कोई फोर्स होती है, वो सदा ही सेम रहती है। और वाई की वेलोसिटी हमेशा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग 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 एंड इंक्रीजिंग। मैं आपको इसका एक और भी एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे सपोज करो, एक मान लो एक रॉकेट था, रॉकेट जा रहा था और एट अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर्स पर सेकेंड, किसी ने इस रॉकेट में से एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। बस ये ड्रॉप किया, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं तो बॉम्ब भी क्या लेके बाहर निकलेगा? रॉकेट की वेलोसिटी।
अब रॉकेट कहाँ जा रहा है? आगे। तो बॉम्ब उसके अंदर पड़ा था, बॉम्ब भी कहाँ जा रहा है? आगे। तो रॉकेट की वेलोसिटी अगर 1000 है तो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? तो रॉकेट की वेलोसिटी कॉपी कर दो इसके ऊपर सेम। तो रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है? 1000। तो ये बॉम्ब की वेलोसिटी निकलती क्या होगी? 1000। किस तरफ? राइट, क्योंकि रॉकेट भी कहाँ जा रहा है? राइट। तो बॉम्ब भी निकलती कहाँ जाएगा? राइट। राइट, तो जैसे ये बाहर निकलेगा ग्रेविटी अपना रोल प्ले करेगी। बॉम्ब कहता है यार मैं तो आगे जाना है क्योंकि मेरे को तो वेलोसिटी पता है 1000 है। तो बॉम्ब जो है वो नीचे तो कभी गिरेगा नहीं, सबको पता है ऐसे। तो बॉम्ब भी कैसे करेगा? ऐसे ही गिरता है। ऐसे क्यों गिरता है? क्योंकि बॉम्ब आगे भी जा रहा होता है क्योंकि इसके पास एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी कौन जनरेट कर देगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो प्रोड्यूस कर देगी। तो बॉम्ब आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा, और आगे और नीचे वो देखने में ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, पाथ फॉलो करेगा। इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। तो इसके अंदर जब बॉम्ब निकला ही था, जब बॉम्ब अभी निकला ही था, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। निकलते ही तो एक्स एक्स में फेंका गया था, वाई में तो था ही नहीं, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो। अब बॉम्ब आगे जा रहा है हमेशा विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 1000 1000 एंड 1000। ये लो, बॉम्ब आगे जाता जाएगा, इसकी वेलोसिटी एक्स में कभी चेंज हो ही नहीं सकती क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस है नहीं, एक्स एक्सिस में ग्रेविटी है नहीं, और एक्स एक्सिस में रोकने वाली कोई फोर्स है ही नहीं। तो इसकी वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो आगे जाने की वेलोसिटी बॉम्ब की सदा ही सेम रहती है जिससे उसको फेंका गया था, लेकिन वाई एक्सिस में तो फेंका नहीं गया था। तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, उसके बाद वेलोसिटी विल इंक्रीज, फिर वेलोसिटी विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। तो यानी कि इस बॉम्ब के पास एट अ टाइम कितनी वेलोसिटीज हैं? दो वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी कितनी है? एक्स के लॉन्ग। एक वेलोसिटी कितनी है? वाई के लॉन्ग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगला चैप्टर डील पता है किसमें करेगा? अगला चैप्टर ये डील करता है हम वेक्टर्स क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर भी आपको पता लग जाएगा। अभी अभी तो पैलोराम देख के तो नहीं पता लगता, इसमें पता लगेगा। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सपोज करो, लेट अस सपोज आपने एक बॉम्ब को फेंका, 5 सेकेंड के बाद बॉम्ब जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे है, आपको पता लग गई 5 सेकेंड बाद, ठीक है। अगला चैप्टर बताएगा ये पोजीशन है, उस पोजीशन पर बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 1000 गिवन होगा पेपर में, और वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आने की वेलोसिटी भी गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये भी गिवन होगा पेपर में। तो यानी कि इस हर इंस्टेंट पर ये तो 1000 ही रहेगा, इसको तो एक बार उसने दे दिया तो आपने कॉपी कर देना है 1000 1000 1000, लेकिन ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और मान लो ये वेलोसिटी 5 सेकंड पे 10 है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इस बॉम्ब के पास कितनी वेलोसिटीज हैं? आप बोलेंगे एक वेलोसिटी है एक्स के लॉन्ग 1000, और एक वेलोसिटी है वाई के लॉन्ग कितनी? 10। राइट, तो आपसे ये नहीं पूछा है दो दो वेलोसिटी बताओ, आप नेट वेलोसिटी बोलो कितनी है, टोटल वेलोसिटी कितनी है, नेट रिजल्टेंट कितना है। तो आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर ये रहा, आप क्या निकालेंगे? इनका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो नेट आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि आपके पास एक ये वेक्टर है, आपके पास ये एक वेक्टर है, आपको इसकी नेट वेलोसिटी निकालनी है। तो आप एक काम करें, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए आप एक इसमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, ये ड्रॉ कर दिया पैरेललोग्राम, पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, और ये क्या ड्रॉ किया? इसका डायगनल। डायगनल ही क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। डायगनल क्या होता है पैरेललोग्राम में? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब यहां पर क्या होगी? नेट वेलोसिटी, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा? नेट वेलोसिटी। अच्छा बताओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था क्या? अंडर रूट ऑफ क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। अच्छा ये बताओ, इस पैरेललोग्राम में एक साइड किसके इक्वल है? 1000। एक साइड किसके इक्वल है? 10। तो नेट वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 1000 × cos ऑफ, बोलो क्या पुट करें? दो वेक्टर, किन किन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं? एक 1000 और एक 10।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? 1010, तो बोले 1010 में एंगल क्या दिख रहा है आपको? 90. दो वेक्टर जिनको ऐड कर रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? कॉस ऑफ 90. वो अलग बात है कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो नेट आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर. तो पॉइंट समझ में आया? हम पैरेललोग्राम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मोशन इन क्या सॉल्व करना है? 2D. और मोशन इन 2D तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको क्या नहीं आता? वेक्टर. तो वेक्टर में पैरेललोग्राम आ गया. अब आप नेट वेलोसिटीज निकाल पा रहे हैं, तो सारा काम कौन करेगा? वेक्टर करेगा. तभी तो बोल रहा था वेक्टर स्ट्रांग होगा, मोशन स्ट्रांग होगा. तो मोशन इन 2D तो क्या तो है ही कुछ नहीं, क्योंकि मोशन इन 2D में मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, एक्स एक्सिस मोशन इन 1D, वाई एक्सिस मोशन इन 1D, एक इक्वेशन एक्स में लगेगी, एक इक्वेशन वाई में लगेगी, तो मोशन आना चाहिए. और बीच में क्या लगेगा एंड में? वेक्टर. तो वेक्टर आ गया, मोशन आ गया, तो समझे मोशन इन 2D तो अपने आप ही आ गया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं मोशन के जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो न्यूमेरिकल करो, उतनी फिजिक्स आसान होती जाएगी. ठीक है यहां तक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन समझ में आ रही है. ठीक, क्योंकि जब हम ये थ्योरी कर रहे होते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता हम कर क्यों रहे हैं. इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, दिस एंड दिस आर आ गया, देखा टैन बीटा आ गया, मतलब होता है यार क्या कर रहा है टैन बीटा के साथ, या क्या करना है इस रिजल्टेंट के साथ. तो आज मैं आपको बताता हूं हमने एग्जैक्टली करना क्या है. ये देखो, अब आपको जल्दी समझ में आएगा. आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है एक बॉडी की साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी कितनी है 30 अलोंग ईस्ट और एक वेलोसिटी है 40 अलोंग नॉर्थ. दो वेलोसिटीज हैं और ईस्ट और नॉर्थ में एंगल क्या होता है 90. तो ये दो वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिए, राइट. अब मैं चाहता तो रिजल्टेंट निकाल सकता था एक मिनट में, पर अब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में फर्क आ गया. आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि एक बॉडी की साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती हैं. तो एक एक्स में और एक वाई में साइमल्टेनियसली आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है. तो क्या करें? पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, इसके पैरेलल ये साइड, इसके पैरेलल ये साइड. तो क्या ड्रॉ करें? रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट का जो डायगनल होता है जो बनता है, वो दो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम में, एक ये भी होता है और ये भी होता है. आपने कौन सा लेना होता है? जो दो वेक्टर्स हैं जो इनका इनिशियल पॉइंट है वही डायगनल लेना होता है, जहाँ ये मिल रहे होते हैं वहाँ से डायगनल उठाना है. मतलब ये एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से डायगनल जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? नेट वेलोसिटी होगी एक ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 40. और एंगल, दो वेक्टर में एंगल कितना है? 90. क्यों? एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, और दोनों में एंगल कितना है? 90. तो कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है? जीरो. आंसर क्या आएगा? 50. अब आप में से एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा कहेगा यार इतना लंबा कर क्यों रहे हैं, क्या करें? पाइथागोरस लगा दो. आप में से कोई कहेगा कुछ भी नहीं करना, ये एक पैरेललोग्राम है और वो भी राइट एंगल है, रेक्टेंगल ही बन गया. ये साइड अगर 40 है, ये 30 है, ये 40, तो ये भी 40 है, तो यार सीधा है ये तो, आप 85 ही आना है. हाँ तो लगा दो, पर ये मत कहना कि मैंने सिखाया पाइथागोरस, मैंने आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला करवाया है, मन में जो मर्जी लगाओ अपने. तो जब राइट एंगल रेक्टेंगल ही आएगा तो मैं भी यही कुछ करूंगा अपने मन में, मैं क्यों लगाऊंगा कॉस 90 कॉस 90, सीधा करूंगा ये 30 ये 40 तो ये 50. तो पॉइंट समझ में आया? लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, तरीका रिजल्टेंट का ही है. हम शॉर्टकट मार लिया करेंगे, क्यों इतना लंबा लिखेंगे? तो समझ में आ जाएगा इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा. तो आपको समझ में आ रहा है रिजल्टेंट कैसे निकालना है? तो अगर तो एंगल 90 है फिर तो वैसे भी आ ही जाएगा, 30 और 40 का रिजल्टेंट आ गया, खत्म. पर अगर एंगल 90 नहीं है फिर रिजल्टेंट की याद आएगी, फिर एंगल थीटा पुट करना पड़ेगा. ये एक ही केस में शॉर्टकट चलेगा जब दो वेक्टर में एंगल कितने हैं 90, नहीं तो नहीं चलेगा. अब जैसे हमने क्या निकाली? नेट वेलोसिटी. अब जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है, क्योंकि हम वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हैं, और अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर में हमें क्या बतानी होती है? वैल्यू एंड डायरेक्शन. अब डायरेक्शन बताने के लिए ये नेट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट है, इसने एंगल क्या बनाया? बीटा. तो हम क्या बताएंगे? बीटा. बीटा का मतलब डायरेक्शन. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो हम इसमें बीटा यानी कि डायरेक्शन बताएंगे. तो डायरेक्शन बताने के दो तरीके हैं. पहला तरीका जो एक्चुअल तरीका है, एक्चुअल तरीका क्या है? मैंने आपको रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला करवाया था, टैन बीटा वॉज इक्वल टू बी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू
कॉस ऑफ थीटा, ये करवाया था मैंने। इसके अंदर जब ये फॉर्मूला लगता है और टैन बीटा की वैल्यू निकलती है, आपके माइंड में एक बहुत क्लियर चीज होनी चाहिए कि थीटा क्या चीज है। थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि यहां पर कितने हैं 90। बीटा तो निकालना है, किन दो वेक्टर्स को ऐड करने हैं, इस वेक्टर और इस वेक्टर को, तो इनके बीच में एंगल कितने हैं 90। तो सबसे पहला काम, इसके अंदर हम यहां पर क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह 90 और यहां पर भी 90, वो अलग बात है, कॉस 90 यहां पर क्या हो जाएगा 0। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों को नहीं पता लगता, कौन सी वैल्यू ए होगी और कौन सी बी होगी, क्योंकि 30 और 40 में लिखा नहीं है कि कौन ए कौन बी। तो ए किसको पुट करूं और बी किसको पुट करूं, तो मैंने आपको आज बताया था कि जब आप ये डायग्राम बनाते हैं और जब आप ये एंगल बीटा बनाते हैं, तो बीटा ने जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया, बीटा ने जिस वेक्टर के साथ, ये बीटा है, रिजल्टेंट ने जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया बीटा, उसका उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ए देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ए किसे बोलते हैं, रिजल्टेंट ने, देखो ये रिजल्टेंट ने या तो इसके साथ एंगल बनाना है या इसके साथ बनाना है। मैंने इसके साथ रखा तो नीचे वाला वेक्टर क्या बन गया ए, तो ये वाला वेक्टर क्या बन गया बी। तो मैं ए बी की जगह क्या पुट कर दूंगा यहां पर 40 और ए की जगह क्या पुट कर दूंगा 30। मान लो किसी न्यूमेरिकल में, मान लो आपने बीटा यहां की बजाय यहां बना दिया बीटा। अब इंपॉर्टेंट है, जब आपने बीटा की वैल्यू को यहां पे बना दिया, तो अब इसको अपने मन में क्या मानेंगे ए और इसको क्या मानेंगे बी। तो रिजल्टेंट ने जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया वो ए कहलाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे टैन बीटा में कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। बस मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि रिजल्टेंट ने जिस भी वेक्टर के साथ एंगल बना दिया बीटा, मैं उसका नाम ए रख दूंगा मैं, और जिसके साथ नहीं बनाया उसका नाम मैं बी रख दूंगा। बस ए और बी पता लग गया, फिर तो आप कर ही लोगे सॉल्व। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन ऑफ बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 40 डिवाइडेड बाय 30। अब मैं ये कह रहा हूं कि इतना करने की जरूरत है क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख तो रहे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन बीटा क्या होगा, दिस साइड बाय दिस साइड। अब ये साइड कितनी है 40, ये साइड कितनी है 30, तो सीधा लगाओ ना, टेन बीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 30, आंसर ये रहा टेन बीटा आ गया। आप कहोगे हर बार लगाएं, नहीं, जब ये राइट एंगल बनेगा तो ही ये चल सकता है। अगर राइट एंगल नहीं है फिर ये एंगल कॉस थीटा कॉस 90 जीरो होगा नहीं, फिर आपको टेन बीटा लगाना पड़ेगा। तो अगला न्यूमेरिकल में वही लिख के लाया हूं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल बन, ये राइट एंगल रेक्टेंगल बन गया, फिर तो समझो आधी प्रॉब्लम खत्म, ना तो टैन बीटा की प्रॉब्लम है ना ही रिजल्टेंट की प्रॉब्लम है। अगर नहीं बना फिर तो देखो करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर एक और चीज, टैन बीटा जब मैंने सॉल्व किया तो क्या किया 40 बाय 30, जो कि क्या आया 1.33। अब एक प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम ये है कि जो टैन बीटा की वैल्यू है, जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था और टैन बीटा मेरे पास कितना आ गया 1, न्यूमेरिकल में टैन बीटा कितना आ गया 1। अब मुझे याद है ये वैल्यू, बीटा क्या आएगा 45 डिग्री, टैन बीटा अगर 1 है तो बीटा क्या आएगा 45 डिग्री, सिंपल राइट। लेकिन अगर टैन बीटा की वैल्यू, टैन ऑफ बीटा की वैल्यू मेरे पास 1.7 आ गई, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो ऐसा कोई एंगल नहीं पता कि टैन बीटा 1.7 में बीटा क्या देगा। तो मैथ्स में एक टॉपिक है जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, मैथ्स में एक टॉपिक है जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे ये बीटा है ठीक, और आप इसका एंगल तो जानते नहीं हो, आप टैन को राइट साइड पे ले जाओ तो बीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स 1.7। आप बस यहीं तक छोड़ दो, आपका एंगल माना जाएगा, ये कुछ नहीं करना, कोई एंगल नहीं ढूंढना, ये एंगल है। अब जब एंगल नहीं पता तो कुछ तो करना पड़ेगा, बट टैन इनवर्स छोड़ दो आंसर। जैसे टैन बीटा 1 है, मुझे पता है कि बीटा 45 डिग्री आंसर है, पर मान लो मैं भूल गया 45 डिग्री, तो कोई बात नहीं, आप लिख दें बीटा इज इक्वल टू क्या, टैन इनवर्स 1। एंगल लिखने का ये तरीका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखाती है। तो इसीलिए आप चेक करें, जब आपने
अपना आंसर टैन बीटा का 1.33 निकाला, तो मुझे वैल्यू तो पता नहीं थी, तो मैंने बीटा को क्या लिख लिया, टैन इनवर्स 1.33, तो ये इसकी डायरेक्शन मानी जाएगी। मतलब ये लिखने का तरीका है, जब एंगल नहीं पता होते आप अपना आंसर ऐसे ही छोड़ के आएंगे टैन इनवर्स में। क्लियर है यहाँ तक? राइट, ठीक है। तो जैसे अब अगला क्वेश्चन है, देर आर टू फोर्सेस, एक फोर्स है 5 न्यूटन, एक फोर्स है 7 न्यूटन, एंड एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है विद एन एंगल ऑफ व्हाट, 60 डिग्री। तो डायग्राम कैसे बनेगा, 5, 7 और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। कोई डाउट इसमें? क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर, तो क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो वैल्यू निकालने के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो इसके पैरेलल ये बनेगा, इसके पैरेलल ये बनेगा, तभी तो पैरेललोग्राम है, और ये क्या बनेगा इसका, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट इज अ डायगोनल। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 7 × cos of, दो वेक्टर जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनके बीच में 5 और 7 में एंगल कितना है, 60। तो यहां पर क्या आएगा, 60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे रिजल्टेंट, ये आधा क्वेश्चन हुआ, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए राइट एंगल ट्राइंगल तो बना नहीं, टैन बीटा तो लग नहीं सकता, पर पेंडिकुलर बाई बेस तो कोई तरीका नहीं, अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टैन ऑफ बीटा का। तो अगर टैन बीटा का फॉर्मूला यहां लगे, तो टैन ऑफ बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, बी इंटू साइन थीटा बाई ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा स्ट्रेट अवे क्या पुट करेंगे, 60, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60। अब ए और बी कैसे डिसाइड करेंगे, बीटा एंगल किसके साथ, ये रिजल्टेंट ने एंगल किसके साथ बनाया, 5 के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, ए, और 7 क्या हो जाएगा, लो पुट कर दें, ये आपके पास हो गया बी, ये आपके पास हो गया ए, ये क्या हो गया आपके पास बी। सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आपके पास आंसर कितना आ गया, 0.7132। अब एंगल तो मुझे पता नहीं, तो टैन बीटा कितना है, 0.7132, तो बीटा का क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स 0.7132। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे रिजल्टेंट और उसका एंगल का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकाल लें प्लीज, ट्राई करें। देखो, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कि एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है, वैसे दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, पर मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, सिर्फ ए और सिर्फ बी, तो ए इज इक्वल टू बी, तो ए और बी इक्वल है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो इस आइदर वैल्यू के इक्वल है। जैसे मैं ए हूं, ये बी है, और मैं कहता हूं हम एक ही हैं, ए और बी हम एक जैसे हैं, और एक रिजल्टेंट आता है, वो कहा जाता है रिजल्टेंट या तो मेरे जैसा है या रिजल्टेंट इसके जैसा है, भाई हम दोनों तो एक जैसे ही हैं,
और ऊपर से रिजल्टेंट भी मेरे जैसा है या इसके जैसे है, तो यानी हम तीनों एक जैसे ही हैं। तो ए बी के इक्वल है, रिजल्टेंट आइदर ऑफ वन के इक्वल है, या ए के इक्वल है या बी के इक्वल है। भैया आर यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि आर की वैल्यू, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो पहला स्टेप समझ में आया क्या मतलब है इसका, ए और बी तो इक्वल गिवन ही है और रिजल्टेंट आइदर ऑफ देम के इक्वल है। अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है या तो ए के इक्वल या बी के इक्वल है, यानी कि ए बी और आर सब बराबर है। आपको क्या निकालना है, इनमें एंगल निकालना है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ए बी और आर बराबर हैं, आप एक काम करो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी। अब इसमें एक काम करो, आर ए बी मत पुट करो, या तो आर 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 और आर और आर ही पुट कर दो, ए और बी को भी आर आर पुट कर दो, क्योंकि ए और बी है तो आर के इक्वली, या आर को ए पुट कर दो, बी को भी ए पुट कर दो और बी को भी ए पुट कर दो, या एक काम करो सारी टर्म को सिर्फ बी रखो, या तो सब आर रखो या सारी टर्म्स ए रखो या सारी टर्म्स बी रखो। तो मैं आर रख लेता हूँ, तो आर इज इक्वल टू ए की जगह भी आर पुट कर दो, बी की जगह भी आर पुट कर दो, इसकी जगह भी आर पुट कर दो इनटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसी पुट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको स्क्वेयरिंग कर दो, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसल, तो क्या आएगा, माइनस आर स्क्वेयर इज टू आर स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन बाई टू, राइट। सॉल्व करके कॉस थीटा माइनस हाफ, और मैंने लिखा हुआ है कि कॉस थीटा अगर माइनस हाफ है तो थीटा कितना होगा, 120। ये ना याद कर लो, आज तो लिख दिया पेपर में लिखा नहीं होगा, याद कर लो, कॉस ऑफ 120 हमेशा क्या होता है, माइनस हाफ। दो वैल्यूज लिख लो, एक लिखो कॉस ऑफ 180 माइनस वन होता है, और कॉस ऑफ 120 माइनस हाफ, ये बहुत बहुत बार यूज होने वाला है, ये दोनों वैल्यूज को याद कर लो, ठीक। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब इस केस में क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस हाफ आ गया, तो थीटा बोलो क्या होगा, 120। तो कैसे इसका, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो फिर ये मत कहना कि फिजिक्स में दिक्कत है, फिर आपकी मैथ्स में दिक्कत है, भाई अलजेब्रा में दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, इसमें कौन सी फिजिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक फिजिक्स तो शुरू में यूज़ हो गई जो होनी थी, अब तो कैलकुलेशन यूज़ हो रही है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें प्लीज़, ठीक है, और जो कि प्रैक्टिस करके ही होंगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर,
टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स का रेशियो 3:5 है। देखो रेशियो 3 और 5 है, वैल्यू 3 और 5 नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक फोर्स कितनी है 3F है और एक फोर्स कितनी है 5F है। अब फोर्स इज अ वेक्टर, तो एक वेक्टर 3F है, एक वैल्यू कितनी है 5F है, और वो कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 35 है, और इन फोर्सेस में एंगल कितना है 60 है। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बना भी सकते हो, एक फोर्स ले लो 3F, एक फोर्स ले लो कितनी 5F, और इनके बीच में एंगल कितना है 60। तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट आपको रादर इसमें यहाँ निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 3F का स्क्वायर प्लस, अच्छा रिजल्टेंट गिवन ही है, 5F का स्क्वायर 2 × 3F × 5F, और एंगल बिटवीन देम इज व्हाट 60। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है ना यहाँ तक? तो इसको अगर हम, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 35, तो स्क्वेयरिंग कर दो, 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3F का स्क्वायर प्लस 5F का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 × 2 30F स्क्वायर। cos 60 क्या होता है 1/2, ठीक है 1/2। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9F का स्क्वायर, 25F का स्क्वायर, 15F का स्क्वायर। कोई बताएगा इसमें सॉल्व करके F कितना आ रहा है? 5। सॉल्व करके 5 आएगा, 5 न्यूटन। चेक कर लेना, सॉल्व करके आंसर 5 न्यूटन आएगा। तो सिंप्लीफाई करो, हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रायंगल या पैरेलोग्राम है? हम फिगर तो बनाते नहीं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला दोनों में सेम है। आप जो मन में सोचो लगा दो, क्योंकि आर तो सेम ही है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि ट्रायंगल उन्होंने सॉल्व किया या पैरेलोग्राम ने सॉल्व किया, रिजल्टेंट तो सेम है। क्लियर है यहाँ तक? 5 आ गया, 5 आया सबका। आपसे ये नहीं पूछा उसने कि इसका एफ की वैल्यू 5 आई, उसने पूछा आपके पास जो दो फोर्सेज हैं उसकी वैल्यू कितनी है। अब जो फोर्सेज है ना, हाँ जो फोर्सेज हैं उसकी जो रेशियो है वो कितनी गिवन है 3F और 5F। तो रेशियो कितनी गिवन है 3F और 5F ना, तो पहली वैल्यू क्या आएगी 3 × 5 यानी कि 15 न्यूटन, और दूसरी क्या आएगी 5 × 5 यानी कि 25 न्यूटन। तो 15 न्यूटन और 25 न्यूटन इसका आंसर है। आपने अगर F में कंफ्यूज होने, आप X ले लें कि 3X और 5X, फिर यहाँ X को पुट कर दें, एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, ये समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट है, अब कई बार जो प्रॉब्लम्स है ना वो ऐसी नहीं आती कि रिजल्टेंट निकाल दो, है ना, ए और बी की वैल्यू ले लो, आर निकाल दो, वैल्यूज निकाल दो, नहीं। कई बार पूरा प्योर वेक्टर अलजेब्रा पे क्वेश्चन आता है। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वैल्यू कुछ नहीं है, ज्योमेट्री की तरह। जैसे आपके पास वो क्वेश्चन में फिगर देगा, फिगर है ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है, वो दे रहा है फिगर, ये नहीं कि आपको बनाने को कह रहा है। ए बी सी डी पैरेलोग्राम दे दिया उसने, उसने कहा कि एक वेक्टर ए सी वेक्टर है, ये रहा आपके पास ए, ये सी, ये एक वेक्टर है, ड्रॉ करो, दिस इज ए सी वेक्टर, ड्रॉ कर दिया। एक वेक्टर बी डी वेक्टर है, बी डी वेक्टर, बी डी वेक्टर है, एंड ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, डायगनल्स हैं। तो ये एक डायगनल, ये दूसरा डायगनल, क्लियर है?
एक उसने और हिंट दिया इसमें, यहां पर एरो बना के, तो ये भी क्या एक वेक्टर है ना, उसने यहां एरो बनाया ना यहां बनाया, कुछ नहीं बताया, बस उसने कहा कि ये एरो है, ये एरो और ये एरो, तीन वेक्टर की डायरेक्शन में पूरी दे दी, दो की नहीं दी, बना दिया पैरेललोग्राम। ये फिगर आपको क्वेश्चन में बना के देगा वो आपको, ठीक है, यहां तक दे दिया। अब वो ये कहेगा कि इस फिगर में प्रूव करो कि ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर, ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर दोनों डायगनल्स के वेक्टर का सम किसके इक्वल आना चाहिए, टू टाइम्स बी सी वैक्टर, टू टाइम्स बी सी वैक्टर, ये प्रूव करो। अब ये प्रूव करने के लिए मेरे को ये समझ में आता है कि मेरे को रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा इसमें, उसे पूछा नहीं आर की वैल्यू कितनी है, ना उसने मेरे को ए दिया, ना उसने मेरे को बी दिया, फिर आर कैसे पूछेगा, वो तो लगेगा नहीं। अब इसके अलावा मुझे एक ही चीज़ आती है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, जो ये कहता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस दैट सेट। बिना वैल्यू सॉल्व करे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं, तो वही यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, पहला ट्राइंगल ये रहा जिसमें मैं ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ, कैसे, ये देखो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इसको कंटिन्यू कर रहा है, एक वेक्टर कॉन्टिन्यूसली दूसरा वेक्टर, और ये क्या है इसकी क्लोजिंग साइड, तो ए वेक्टर मींस फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और ये क्लोजिंग साइड, तो क्लोजिंग साइड को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि ए सी वैक्टर रिजल्टेंट है इसका और इसका, फर्स्ट इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, ट्राइंगल चेंज करते हैं, ट्राइंगल में क्या करते हैं, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल अब ये लेते हैं, कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब चेक करें प्लीज, ये एक वेक्टर है, ये आगे से कंटिन्यू कर रहा है, ये देखो इस ट्राइंगल में ये एक वेक्टर है, ये आगे से कंटिन्यू कर रहा है, और ये क्या है इसकी क्लोजिंग साइड है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये एक वेक्टर है, ये आगे से कंटिन्यू कर रहा है, और ये क्या है इसकी क्लोजिंग साइड। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जो क्लोजिंग साइड है, कौन है क्लोजिंग साइड, बी डी वेक्टर क्लोजिंग साइड है, तो बी डी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, यानी कि ये वैक्टर रिजल्टेंट है इन दोनों वैक्टर का, तो सेकेंड इक्वेशन भी क्या सबको क्लियर है, ठीक है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, एक ट्राइंगल ये लिया, ट्राइंगल लॉ लगा दिया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक मैंने ट्राइंगल ये लिया तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और मेरे को कुछ नहीं आता, बस मैंने दोनों लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को ये प्रूव करना है इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है, एसी वेक्टर प्लस बीडी वेक्टर, तो मैंने स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से किया, एसी वेक्टर में निकाल चुका हूं ए बी प्लस बी सी वेक्टर, बीडी वेक्टर में निकाल चुका हूं बी सी प्लस सी डी वेक्टर, क्लियर है यहां तक, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर मैंने इसे ओपन किया, ए बी बी सी बी सी सी डी, जब आप ये प्रूव कर रहे होंगे वेक्टर लगाना मत भूलना, सारे के सारे वेक्टर ही वेक्टर हैं, स्केलर मत लिख देना, क्लियर है यहां तक, ये टर्म आ गई। अब लास्ट टर्म देख लो, एक ये क्या है ए बी वैक्टर जो कहाँ पर है, यहाँ है, और ये क्या है सी डी वैक्टर जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, एक वैक्टर इधर है ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर इधर है, दोनों में क्या फ़र्क है, ऑपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली क्या होगी, सेम, बिकॉज ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी वैक्टर इज नेगेटिव ऑफ सी डी वैक्टर, हमने लास्ट टाइम नेगेटिव वैक्टर किया था ना, कि अगर दो वैक्टर वैल्यू में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आगे साइन नेगेटिव आएगा, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस सी डी वैक्टर, लिख दिया। तो एक काम करते हैं, इस सी डी वैक्टर की जगह रिप्लेस करो, इस ए बी वैक्टर की जगह रिप्लेस करो माइनस सी डी, माइनस सी डी सी डी कैंसल, क्या बनेगा टू टाइम्स बी सी, प्रूफ यही करना है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा सारा, ट्रिक्स सारे प्रैक्टिस से हैं, तो इसलिए आइडिया दिया जा रहा है कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर, एक काम करो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लो, ए सी की जगह ये पूरी वैल्यू, बी डी की जगह ये पूरी वैल्यू, ये लो, ये मैंने लिया फिर से ए सी माइनस बी डी, ए सी एंड बी डी दोनों ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस बी सी माइनस सी डी ओपन कर दिया। अब मुझे पता है कि हाँ बी सी तो वैसे ही क्या हो गया, कैंसल, तो ये टर्म बच गई।
अब सी डी वैक्टर, ए बी वैक्टर किसके इक्वल है, माइनस सी डी वैक्टर, या ऐसा भी लिख सकते हैं सी डी वैक्टर किसके इक्वल है, माइनस ए बी वैक्टर। तो आप सी डी वैक्टर की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ए बी वैक्टर, माइनस माइनस प्लस आंसर टू टाइम्स ए बी वैक्टर। तो ये प्रैक्टिस है कि आप कैसे, आपने एक बार क्वेश्चन देख लिया ना, अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन फिगर वाइज आएगा आपको एक आइडिया होगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, करनी तो देखो प्रैक्टिस ही पड़ेगी, अब क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। तो बुक जरूरी है जिसमें आप एक अनसॉल्व और कोई नए क्वेश्चन देखें और वहां पर ट्राई करें। यहां पर ये नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया और दूसरा भी मैंने करवाया, तीसरा मैंने करवाया, फिर आपको भी आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको एक ट्रिक बता दूंगा, वैरायटी बता सकता हूं, लेकिन आपको सीख के अप्लाई तो अनसॉल्व पे करना ही पड़ेगा। राइट, क्लियर है यहां तक? इसके बाद जो शीट है, शीट नंबर 16th,